राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की इस तरह हत्या आखिर क्यों हुई। जयपुर पुलिस ने गोगामेड़ी हत्याकांड के तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारों ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में पता चला है कि नागौर जिले के रहने वाले रोहित राठौड़ की सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से आपसी रंजिश थी। साल 2017 में रोहित राठौड़ के खिलाफ जयपुर के वैशाली नगर थाने में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। नाबालिग लड़की राजपूत समाज से थी, लिहाजा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने पीड़िता के पिता की मदद की थी और रोहित राठौड़ को जिसके चलते जेल जाना पड़ा था। सुखदेव सिंह अगर बीच में नहीं आता तो रोहित राठौड़ पीड़ित पक्ष से राजीनामा कर लेता, लेकिन गोगामेड़ी के चलते राजीनामा नहीं हो पाया और रोहित को बदनामी के साथ सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तभी से रोहित राठौड़ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से बदला लेने की फिराक में था। रोहित राठौड़ दो बार जेल जा चुका है। पहली बार वो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में और दूसरी बार अवैध हथियार रखने के मामले में जेल गया था। जेल में रहने के दौरान रोहित की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से हुई। वहीं से उसका रोहित गौदारा और वीरेंद्र चारण से सीधा संपर्क हुआ। रोहित गौदारा ने वीरेंद्र चारण को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का टास्क दे रखा था। जेल में छूटने के बाद चारण ने रोहित राठौड़ को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए तैयार कर लिया। हत्यारे इसी मौके की तलाश में थे कि चुनाव आचार संहिता के दौरान गोगामेड़ी के सुरक्षा कर्मियों के हथियार पुलिस थानों में जमा हो जाएंगे और उसी दौरान उसकी हत्या करनी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला नितिन फौजी नौकरी से दो दिन की छुट्टी पर गया था, लेकिन अपने दोस्त भवानी सिंह उर्फ रोनी सिंह की मदद के दौरान पुलिस पर फायरिंग करके भागना पड़ा। फरारी के दौरान नितिन को लगा कि पुलिस केस दर्ज होने के बाद आर्मी में उसका कोर्ट मार्शल होना तय है। ऐसे में उसने नौकरी छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया। फरारी के दौरान उसके दोस्त भवानी सिंह और रोनी ने कहा कि जयपुर में एक शख्स की हत्या करनी है। हत्या के बाद पत्नी समेत उसे विदेश भेज दिया जाएगा, जहां वो ऐश की जिंदगी जी सकता है। नितिन ने कुछ महीनों पहले ही लव मैरिज की थी। वीरेंद्र चारण और भवानी सिंह और फरौली सिंह की वजह से दोनों हमलावर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए तैयार हो गए। 5 दिसंबर को नितिन फौजी पहली बार रोहित राठौड़ से मिला। रोहित ने नितिन को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का फोटो दिखाया और उसे मारने की बात कही। पहली मुलाकात के कुछ ही देर बाद रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को नवीन सिंह शेखावत स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर ले गया। चूंकि नवीन सिंह शेखावत को सुखदेव सिंह पहले से जानता था, ऐसे में वो मिलने को तैयार हो गया। मुलाकात के दौरान करीब 7-8 मिनट बाद ही रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने दनादन फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गोगामेड़ी मौके पर ही मारा गया। रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने पूछताछ में गोगामेड़ी को लेकर ये खुलासा किया। टाइम्स ऑन अब भारत डिजिटल की रिपोर्ट।